दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से धुंध के वजह से आज के बाद आज मौसम की मेहरबानी, प्रदूषण और धुंध में कमी आई है। कभी भी अभी भी प्रदूषण का स्तर बना हुआ है, हवा चलने से प्रदूषण का स्तर में होगा सुधार। दिल्ली एनसीआर में क्यूआई स्तर सुधरा। उम्मीद है कि हवा चलेगी और प्रदूषण कुछ बेहतर से कुछ राहत दिल्ली वालों को मिल पाएगी। हमारे सहयोगी अनमोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनमोल, प्रदूषण का स्तर आज किस तरह से देखने को मिल रहा है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में? जी साकिर, एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी हद तक सुधरा है, लेकिन अभी भी काफी स्थिति काफी भयावह है। वहां की जो सूरज निकलते समय ही धुंध काफी छट गई थी, जिसके कारण लोगों की संख्या अनमोल सुधरा है अगर स्तर, तो फिर भयावह की स्थिति कैसे? क्योंकि जैसे जैसे धुंध घट रही है तो पॉल्यूशन का स्तर लगातार घट रहा है, और उम्मीद कितना है स्तर अनमोल इस वक्त स्तर कितना है पॉल्यूशन का? AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो ओवरऑल दिल्ली का बना हुआ है वो 505 बना हुआ है, लेकिन अभी 505 अनमोल अगर देखा जाए तो सुधरी हुई स्थिति नहीं कहलाई जा सकती। इसलिए मैं आपको बता रहा था, क्योंकि स्थिति नहीं सुधरी है, कुछ ही देर में आंकड़े भी जारी किए जाएंगे। लेकिन हालांकि धुंध निकली है तो जिसके कारण धुंध काफी कम है, सूरज निकलने के साथ ही धुंध काफी छट गई है, लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, लोगों का भी मानना है कि पॉल्यूशन कम हुआ है। लेकिन आंकड़े इस तरीके से भी कुछ ही देर में जारी किए जाएंगे, तो आशंका यही जताई जा रही है कि पॉल्यूशन पे जो गिरावट आएगी पॉल्यूशन के लेवल में। फिलहाल जिस तरह से ये स्थिति बनी हुई है, मौसम विभाग के अनुसार क्या आज हवा की जो गति है वो बढ़ेगी? क्योंकि लगातार इंतजार इस बात का है कि अगर हवा की गति बढ़ती है तो पॉल्यूशन छटता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, मौसम विभाग ने पहले ही आशंका जताई जाती है कि आने वाले दिनों में मौसम की जो हवाएं तेज चलेगी, जिसके कारण पॉल्यूशन में गिरावट आएगी। बवाल देखा गया था, पिछले दो दिनों से पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब आशंका यही जताई जा रही है जिस तरीके से आज सूरज निकला है और धुंध पूरी तरीके से छट गई है, तो लोगों ने भी यही आशंका जताई है। साथ ही मौसम विभाग ने पहले ही आशंका जताई थी कि आने वाले दिनों में जो प्रदूषण का लेवल है वो कंट्रोल में आएगा, और इसी का आज देखने को मिला। जिस तरीके से आज सूरज सुबह निकला और पूरी तरीके से धुंध छट गई, जिसके कारण लोगों की संख्या भी, जो मॉर्निंग वॉक पर लोग निकलते हैं उनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गई सूरज निकलने के साथ ही। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।